दोस्तों कुछ समय पहले पहलवान फिल्म रिलीज हुई जिसे दर्शकों ने खूब पसंद, लीड एक्टर के तौर पर सुदीप नजर आए जिन्होंने इस फिल्म में कृष्ण का किरदार निभाया। इस फिल्म में इनके अभिनय को बड़ा पसंद किया गया। ये साउथ इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता है जिन्होंने फिल्मों में अपने दमदार प्रदर्शन से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। इस फिल्म को 13 अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों आप सब सुदीप के बारे में तो जानते हैं, क्या इनकी पत्नी के बारे में जानते हो? कौन है, क्या करती है, कैसे दिखती है? अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए और दमदार अभिनेता सुदीप के लिए वीडियो को तो लाइक कर दो। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार किच्चा सुदीप का जन्म 2 सितंबर 1973 को कर्नाटका में हुआ। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इन्होंने रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग से एक्टिंग का कोर्स किया, जिसके बाद इन्होंने 1997 की फिल्म ब्रह्मा से फिल्मों में डेब्यू किया। इस फिल्म में ये साइड रोल निभाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद ये लीड एक्टर के तौर पर स्पर्श फिल्म में नजर आए। इस फिल्म में इनके अभिनय को काफी पसंद किया गया। इन्होंने कई कन्नड़ और तमिल भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। साउथ इंडस्ट्री के बाद इन्होंने अपना रुख बॉलीवुड की तरफ कर लिया। इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया जिनमें रन और आने वाली दबंग 3 शामिल है। आज सुदीप को दोनों इंडस्ट्री में किसी पहचान की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। अगर बात करें इस जबरदस्त अभिनेता की पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम प्रिया राधा कृष्णन है, जो कि हाउसवाइफ है और लाइमलाइट से दूर ही रहती है। इन दोनों की एक बेटी भी है, लेकिन शादी के 13 साल बाद दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले लिया। इन दोनों के डिवोर्स की वजह क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर बात करें प्रिया की खूबसूरती की, तो खूबसूरती के मामले में किसी अभिनेत्री से कम नहीं है, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको फिल्मों में सुदीप का अभिनय कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना।